तो चलिए झटपट से बना लेते हैं बची हुई ब्रेड के जो साइड्स होते हैं उसकी रेसिपी। तो इसके लिए जो बची हुई ब्रेड के साइड्स हैं उसे हम इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से तोड़ लेने के बाद अब हम लेंगे एक आलू उबला हुआ और उसे ग्रेटर की मदद से अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और उसे इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जीरा ऐड किया हुआ है। अब अच्छी तरीके से इन सबको हम कर लेंगे मिक्स, जिससे कि ये एक डो जैसा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अब इस डो को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे बराबर और इस तरीके से टिक्की जैसा हम इसे बना लेंगे। तो ये हमारी टिक्की जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से जो हमने इसी डो का दूसरा पोर्शन लिया हुआ था टिक्की का, उसे भी इस तरीके से गोल टिक्की बना लेंगे उसकी। तो लीजिए, हमने अपनी दोनों टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली है। तो ये चार ब्रेड स्लाइस के जो साइड्स थे उनकी हमने दो टिक्की बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम तवे पर तेल फैला देंगे इस तरीके से और इसके बाद हम अपनी दोनों टिक्कियों को इसके ऊपर रख देंगे। तो अब इसे हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर अब इसे पलट देंगे, जिससे कि ये नीचे अच्छी तरीके से सिक चुकी है। इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पलट देंगे स्पून की हेल्प से। अब हम अपनी दूसरी टिक्की भी इस तरीके से पलट देंगे और दूसरे साइड भी इस तरीके से दबाकर हम सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड अलट पलट करते हुए टिक्कियों को कुरकुरा हो जाने तक सेक लिया है। अब हम अपनी टिक्कियों को एक प्लेट पर निकाल लेंगे इस तरीके से। इस पर हम मीठा दही लगाएंगे। हमने दही में पिसी हुई शक्कर डालकर उसे मीठा कर लिया है और उसे इस तरीके से टिक्कियों के ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, जो कि हमने हरी धनिया से बनाई हुई है। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर मीठी चटनी लगा दी है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम आलू भुजिया डाल देते हैं इस तरीके से। तो लीजिए, हमारी झटपट वाली आलू की टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। वो भी हमने बची हुई ब्रेड से इसे बनाया हुआ है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये और बहुत कम टाइम पर हमने बनाया हुआ है इसे। जब भी कुछ हल्का फुल्का टेस्टी सा खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।